ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ड्रेस बनाई है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, ये देखिए। और इसको हमने 3 कलर से बनाया है, क्रोशिया से बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये वाली ड्रेस बनाई थी और हमारे पास कमेंट्स आए थे कि ये वाली ड्रेस हम इसको क्रोशिया से बनाएं, इसको हमने सिलाई से बनाया है, ये देखिए। और इसको हमने क्रोशिया से बनाया, देखिए दोनों ड्रेस। ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हो, बिगिनर भी इसको बना सकते हैं, ये देखिए। और इसका लुक इस तरह से आएगा। यहाँ पर इस पर चोली पर भी हमने वर्क किया है, ये देखिए इस तरह से। इस चोली की वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, आज हमने घेरे की इसकी वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, पहले आप चोली बनाकर लड्डू गोपाल जी को पहना कर देख लें, जब भी कोई ड्रेस बनाएं उसके बाद नीचे का घेरा बनाना शुरू करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमने ड्रेस कैसे बनाई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसमें राउंड कंप्लीट होने के बाद कलर चेंज करेंगे, इस तरह इसको निकाल लेंगे, देखिए। और यहाँ से हम ये ब्लैक कलर इसमें लगा लेंगे, ये देखिए। ब्लैक कलर हमने इसमें लगा लिया, अब हम यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे, देखिए 3 चेन हो गई, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में, ये देखिए इसके अंदर इसको हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ देंगे। 3 चेन बना ली और इसको ये देखिए बीच में हमने 2 चेन स्किप की और 3rd वाली में इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहीं से हम टर्न करेंगे और यहाँ पर हम 4 चेन बना लेंगे, 2, 3 और ये 4। धागा हम 2 बार लपेटेंगे और ये देखिए इसके अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3, यानी हमें 2 धागे 3 बार बंद करने हैं, इसको कहते हैं हम ट्रिपल क्रोशिया। ये 4 की चेन और 1 ही ट्रिपल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर धागा लपेटेंगे इस तरह से, 3, 4 5, छः, 7, ठीक है 7 बार हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। देखिए ये करने के बाद अब यहीं से हम इस तरह पकड़ेंगे, देखिए इसको, और 2 बार हमने लपेटा और ये देखिए जहाँ से हमने 3 चेन बनाई थी, यहाँ से जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम ये क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से हम इसको निकाल कर देखिए ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर भी हमें 7 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1, 2, 3 4 देखिए 5 6 और ये 7 7 बार ही हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया किया, 7 बार ही हमने यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ से इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर ये क्रोशिया हुक डाला इस तरह से,
और यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए फिर से हम तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना ली, एक दो, और थर्ड वाली के अंदर डालकर ये देखिए इसको सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ देंगे। फिर यहीं से टर्न लेंगे, चार चेन लेंगे और दो बार ये देखिए धागा लपेट लिया क्रोशिया पर, और यहाँ से एक लूप लेंगे और ये ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये दो बार हो गए, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। देखिए सात बार ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, दो बार धागा लेंगे देखिए, और यहाँ पर ये देखिए बीच में जो है डबल क्रोशिया है, देखिए यहाँ पर। अब हमें इसके ऊपर वर्क करना है। अब यहाँ पर हम सेवन बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। देखिए सात बार हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब इसको यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए। देखिए दो डिज़ाइन हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह हम इसका पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये घेरे का हमने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से इसको कंप्लीट हमने कर लिया। अब हम इसका थर्ड राउंड बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड राउंड यहाँ तक कंप्लीट इसका हो गया है। इसको यहाँ हम जोड़ लेंगे देखिए सिंगल क्रोशिया से, इस तरह से इसको जोड़ लिया, तीन चेन बना लेंगे। ये देखिए एक तो ये डबल क्रोशिया हो गया, अब इससे आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया हो गए, चार, पाँच और ये लास्ट वाली चेन के अंदर छः। ये देखिए जो ये हमने पत्ती बनाई थी इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पर छः हमने डबल क्रोशिया कर लिए। अब इस पत्ती के ऊपर हमें करना है, ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। देखिए छः डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर कर लिए। हर एक पत्ती के ऊपर हमें छः छः डबल क्रोशिया करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इसका थर्ड राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ इसको हम इससे नहीं, ये देखिए ऐसे हम इसको रोक लेंगे और येलो कलर से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से, और एक चेन बना देंगे सिक्योर। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, इसमें बिल्कुल भी झोल वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखिए अब हम इसमें येलो कलर लगाएंगे, और देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर तीन चेन बना लेंगे, एक, दो, दो चेन छोड़कर, और देखिए तीसरे वाली में इसको हम जोड़ देंगे। यहीं से हम टर्न लेंगे और चार चेन बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार।
इस तरह से दो बार लेंगे धागा और इसके ऊपर हम ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए दो हो गए, तीन, चार, पांच, छः और ये सात। देखिए सेवन बार हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। फिर से हम दो बार धागा लेंगे और ये देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट डबल क्रोशिया है जहाँ पर हमने इसको जोड़ा था, यहाँ से लूप लेंगे और फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये सात। दोनों जगह हमें सात सात ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और ये देखिए यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ से इस तरह इसको जोड़ देंगे और ये देखिए इसकी एक पत्ती बन गई। फिर से हम तीन चेन लेंगे, दो चेन छोड़ देंगे और तीसरे के अंदर इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से। फिर से हम चार चेन बनाएंगे, धागा दो बार लेंगे और ये ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे सात बार, तीन, चार, पांच, छः और ये सात। ये देखिए फिर से दो बार धागा लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमने जोड़ा था इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें वर्क करना है और सात बार यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये सात। देखिए फिर से हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए दो पत्तियाँ हमने इसकी बना दी है। इसी तरह से पूरा राउंड इसका जो फोर्थ राउंड है कंप्लीट कर लेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। ये देखिए अब इसको यहाँ हम जोड़ देंगे और ये देखिए धागा हम यहाँ पर लेकर आएंगे सिंगल स्टिच से। अब यहाँ पर एक, दो, तीन चेन बना लेंगे और ये देखिए जो ये डिज़ाइन है इसके ऊपर हम छः बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। एक तो ये हो गया, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार, पांच और ये छः। देखिए अब यहाँ पर इसके ऊपर हमें सिक्स बार डबल क्रोशिया करना है, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये देखिए छः। छः बार हमने यहाँ पर भी कर लिया। हर एक डिज़ाइन के ऊपर हमें छः छः बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे येलो कलर से।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये येलो कलर से भी इसका राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने रेड कलर से में लगा लिया और एक डिजाइन ये वाला हम रेड कलर से बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसमें झोल नहीं है, बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है। आप इसी तरह से बनाइए तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छी ड्रेस बनेगी। ये देखिए कोई ज़्यादा झंझट इसमें नहीं है। और ये देखिए, तो एक डिजाइन हम और बनाते हैं इसी तरीके से रेड कलर में, जैसे हमने ये येलो का आपको बताया पहले, वही हम रेड से बनाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे। ये डिजाइन बनाने के बाद एक लाइन हम ये वाली सिंपल, देखिए डबल क्रोशे से जो बनाई है वो बना लेंगे। ये दो राउंड हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमको आपको फिर दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेड कलर से हमने इसका जो डिजाइन है वो भी कंप्लीट कर लिया है बनाकर। आप देखिए कितनी खूबसूरत ये ड्रेस है और बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने बनाया है। फ्रेंड्स आप भी इसको इजीली बना सकते हो, लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स ये हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी। ये देखिए आप इसमें सिंगल कलर से भी इसको बना सकते हो, टू कलर से भी, थ्री कलर से भी। देखिए और ये इसकी चोली देखिए कितनी सुंदर, ये आप फ्रंट रख सकते हो और ये वाला बैक साइड पे रख सकते हो। वैसे जैसे आपको सहूलियत हो पहनाने में उस तरीके से आप इसको पहना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस बनी है, देखिए इसमें कोई झोल वगैरह कुछ भी नहीं, बहुत ही सुंदर। फ्रेंड्स आप भी बनाइए और गोपाल जी को पहनाइए, कमेंट करके बताएं हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।